Hello students, good morning to all of you. Today I am discussing about the memory of computer. So let's start. सबसे पहले बात करेंगे memory, जो computer की memory होती है वो किसके use होती है. Basically computer की memory data को store करने के लिए, information को store करने के लिए design की गई है. चूँकि computer का काम ही है data को store करके रखना जब तक ज़रूरत हो, और इसके लिए हम मेमोरी का यूज़ करते हैं. मेमोरी बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक है मेन मेमोरी और दूसरी है ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी. इसके बारे में हम आगे बात करें तो मेन मेमोरी को हम इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं. ये कंप्यूटर का बहुत ज़रूरी पार्ट है, बिना इसकी मदद से कंप्यूटर वर्क नहीं करता. सो ये CPU के कॉन्टेक्ट में आता है. CPU इस मेन मेमोरी की मदद से प्रोसेसिंग करती है और जो रिजल्ट डेवलप होता है उसे भी स्टोर करने के लिए वो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करती है. सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मेमोरी में जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में जाता है. तो डेटा अक्सर जो है वो कंप्यूटर तो केवल डिजिटल डेटा को समझता है, ज़ीरो या वन के डेटा को. और ज़ीरो और वन के डेटा को अगर हम स्टोर करने के लिए जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं बिट, और इसकी बड़ी यूनिट जो है उसे हम बाइट कहते हैं. तो हम मेमोरी को अक्सर बाइट्स में ही स्टोर करते हैं, और ये यहाँ पर कुछ यूनिट्स लिखी हुई हैं कि वन बाइट या उससे बड़ी मेमोरी यूनिट को हम क्या कहते हैं और उससे बड़ी. तो 1024 बाइट्स को हम कहते हैं 1 किलोबाइट, और फिर किलोबाइट्स के 1024 किलोबाइट्स को हम कहते हैं 1 मेगाबाइट. ऐसे ही 1024 मेगाबाइट्स को हम कहते हैं 1 गीगाबाइट्स, और ऐसे ही 1024 गीगाबाइट्स को हम कहते हैं 1 टेराबाइट. और इसके आगे और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं जो ज़रूरत पड़ने पर यूज़ की जाती हैं. यहाँ आपको दिख रहा होगा 2 की पावर 10 में हम बात कर रहे हैं, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40. दिस इज नोन एज 2, चूँकि बाइनरी नंबर है 0 और 1 पर बेस नंबर मशीन लेवल लैंग्वेज में यूज़ होता है. इसीलिए ये 2 डिजिट का नंबर और बाइनरी डिजिट को हम 2, और इसमें भी अगर हम 10 पावर तक यूज़ करें तो ये जनरेट हो जाता है 1024. 2 पावर 10 मतलब है 1024. ऐसे ही आगे लिमिट्स बढ़ती जाती हैं. अब हम बात कर रहे हैं कि मेन मेमोरी जो होती है वो करती क्या है. इन मेन मेमोरी डेटा एंड द प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम ऑफ स्टोर टेम्प्रेरी यहाँ पर स्टोर होता है फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए, जिसको हम रैम कहते हैं. एज देयर नीड्स एंड, और जैसे ही प्रोसेसिंग पार्ट खत्म हो जाता है, कैलकुलेशन पार्ट, दे आर रिमूव फ्रॉम द मेमोरी एंड अदर डेटा और प्रोग्राम्स स्टोर इन दिस प्लेस. तो अगर इसको हम दूसरे फॉर्म में समझाएं तो आप एक प्रोग्राम चला रहे हो गेम का, तो गेम के कुछ पोर्शंस को वो स्टोर कर देता है टेम्प्रेरी आपकी रैम में, और आप अपना पोर्शन खेल लेते हो गेम का, और फिर उसके बाद फिर अगला पोर्शन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वो अगली स्टेज को स्टोर करता जाता है. ऐसे ही एप्लीकेशन में, ऐसे ही दूसरी चीज़ों में वो थोड़ा सा डेटा आपके रैम में स्टोर करता है और आगे का पोर्शन वो स्टोर करता रहता है पहले वाले पोर्शन को रिमूव करके. तो इस तरीके से बड़ी फाइल पूरी की पूरी रैम में नहीं आ सकती, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका एग्जीक्यूट करता जाता है जैसे जैसे आप उस पर वर्क करते जाते हो. द साइज ऑफ मेन मेमोरी इज लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है रैम की साइज फिक्स्ड है, रोम की साइज फिक्स्ड है. तो बट इट्स स्पीड इज वेरी हाई, तो अगर स्पीड आपकी अच्छी है तो ये काम करने लगता है. इसका अनदर एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो आपने एक डेटा पैक कराया कंप्यूटर अपने मोबाइल फ़ोन पर, और वो किसी दिन ख़त्म हो गया, तो स्पीड कम हो गई, आपका जो वीडियो लोड होना था वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि डेटा की स्पीड कम हो गई है, मेमोरी जो स्टोर कर रहा था रैम में वो कम आएगी. और इस तरीके से वो आपका फ़ोन वैसा ही है, प्रोसेसिंग वैसे ही फास्ट है, लेकिन चूँकि डेटा ही नहीं है
सीढ़ी नहीं है उसकी, तो वो वर्किंग स्लो हो जाती है या रुक जाती है. द मेन मेमोरी इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू मैनी पार्ट अकॉर्डिंग टू देयर यूज. अब मेन मेमोरीज में कौन कौन सी मेमोरीज, मैंने आपको बताया था कि रोम होता है. तो रोम वो मेमोरी होती है जिसको कि सारी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है, इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड, आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड और प्रोसेसिंग डिवाइसेस से रिलेटेड. मतलब सारे हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं वो यहाँ होते हैं, और ओएस की इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी ये रखता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी रखता है. और ये जब कंप्यूटर आप लेते हो तो ये मैन्युफैक्चर जो होते हैं कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनियाँ, वो रोम डिज़ाइन करके कंप्यूटर में लगाती हैं, तो ये फिक्स्ड होती हैं. रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, जैसा मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये प्रोग्राम को, एप्लीकेशंस को चलाते वक्त एप्लीकेशंस के पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा करके कंप्यूटर की मेमोरी में, रैम में रखती हैं और उसे प्रोसेस करती हैं. उसी की मदद से आप अपने प्रोग्राम्स को देख पाते हो, रन करा पाते हो. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये रोम की का ही पार्ट है एक, लेकिन एडवांस रोम है जिसमें कि प्रोग्राम करने की फैसिलिटी होती है. जो रोम होता है उसमें आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, एक बार बन गई तो वो चिप, अगर ख़राब हो गई तो उसकी जगह दूसरी चिप लगा सकते हो आप, लेकिन ये प्रोग्रामेबल जो रोम होती है उसे आप एक बार प्रोग्राम कर सकते हो वन. फिर आता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईप्रोम. ये क्या करता है, इसमें कई बार आप रोम को प्रोग्राम कर सकते हो, ये भी एक रोम का टाइप है, लेकिन इसमें आप प्रोग्राम्स को अपनी मर्जी से अपग्रेड कर सकते हो. जैसे आपके सिस्टम्स में अगर हम बात करें तो आपका मोबाइल फ़ोन क्या है, उसमें आपकी वर्जन को अपग्रेड कर देना. वर्जन अगर 6.1 है तो उसे, अगर दूसरा रिलीज वर्जन 6.2 आया तो उसे 6.1 से रिप्लेस कर दे. तो ये इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के तौर पे हो जाता है. इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये ईप्रोम ही प्रोम, मतलब रोम का ही एक पार्ट है, रोम की तरह से ही होती है, लेकिन इसे हम कई बार यूज कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिकली रिमूव हो जाती है और इसे दोबारा से प्रोग्राम किया जाता है. फिर बात आती है ऑक्सिलरी मेमोरी की. मैंने जैसे बताया ही है पहले कि जब हमें मेमोरी ज़्यादा की मेमोरी की ज़रूरत होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सीडी रोम है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स हैं, और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस जो मेमोरी को कंटेन करके रख सकते हैं देर तक. तो इसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, और इनमें डेटा को देर तक स्टोर करके रखा जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पर हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैरी करके ले जा सकते हैं. और ये मेमोरी ज़्यादातर यूज़ होती हैं और इनकी मदद से हम कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. थैंक यू.